अदद वाली बगैर हासिल वाली तफरीक का अमल सीखे। आइए अब हम इस वीडियो में पांच हिंदसी अददों वाली बगैर हासिल वाली तफरीक का अमल सीखेंगे। ठीक है, आइए एक मिसाल लिखते हैं। यहाँ पर एक गांव में लोगों ने ज़खीरे आब के लिए 75,654 रुपये जमा किए, जिसमें से उन्होंने 74,322 रुपये खर्च किए। बाकी की रकम दोबारा आबी भराई के लिए जमा रखी। तो बताइए कि गांव वालों ने आबी भराई के लिए कितनी रकम बाकी रखी। देखिए बेटा, मैंने ये जो सवाल लिखा है इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, आप सुनेंगे और फिर इसको किस तरीके से हल करते हैं वो हम देखेंगे। एक गांव में लोगों ने जखीरे आब के लिए 75,654 रुपये जमा किए, जिसमें से उन्होंने 74,322 रुपये खर्च किए। बाकी की रकम दोबारा आबी भराई के लिए जमा रखी। तो बताइए कि गांव वालों ने आबी भराई के लिए कितनी रकम बाकी रखी। आइए बेटा हम इसे हल करते हैं। देखिए बेटा, मैंने ये बॉक्स बनाई हूँ और मैं इसमें इकाई दहाई के हिसाब से जो है हम मकामी कीमत के हिसाब से इसको लिख लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब यहाँ पर जो है कितनी रकम जमा किए थे लोगों ने, तो वो रकम है 75,654। कितनी है? 75,654 तफरीक। उसमें से खर्च कितना किया उन्होंने? 74,322। कितना खर्च किए? 74,322। देखिए आइए अब हम इसे हल करते हैं, किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इकाई के खाने में 4 लिखा हुआ है, 4 इकाई में से 2 इकाई तफरीक करे बचता है, बाकी बचा 2। 5 दहाई में से 2 दहाई तफरीक करे बाकी बचा 3। इसी तरीके से 6 सैकड़े में से 1 सैकड़ा तफरीक करे 6 सैकड़े में से 3 सैकड़ा तफरीक करे बाकी बचता है 3। इसी तरीके से 5,000 में से 4,000 तफरीक करे बाकी बचता है 1। इसी तरीके से 7,000 तफरीक करे बचता है 0। यानी हमारा यहाँ पर जवाब आ गया 1,332 रुपये बाकी बचे।